You cannot imagine what is happening in Pakistan. Never has one man scared the establishment, the political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. Their worry is how to keep me out. The people on the other, how to get me in. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Abrar Rashid, aapki khidmat mein hazir hai. Aapne video ke aghaaz par bhi इमरान खान का एक क्लिप देखा, आपको बताएंगे आगे चलकर कि इस क्लिप को दिखाने का क्या मकसद है और क्या इमरान खान वाकई एस्टेब्लिशमेंट को डरा चुके हैं, और अगर डरा दिया है तो कैसे डराया है, इस हवाले से बात होगी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से क्यों खौफजदा है, और क्या अली अमीन गंडापुर पर डेरा इस्माइल खान के थाने में तशद्दुद किया गया है, उन पर कोई तशद्दुद हुआ है, और सोशल मीडिया के एक एक्टिविस्ट, जी हां, खैबर पख्तूनख्वा के सोशल मीडिया, पीटीआई के सोशल मीडिया के हेड, उनका सॉफ्टवेयर कहा यह जा रहा है कि अपडेट हुआ है, इस हवाले से आपको बताया जाएगा कि इसके पीछे क्या कहानी है। लेकिन सबसे पहले अली अमीन गंडापुर सोशल मीडिया पर और एक आध मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर ये खबर गर्दिश करती रही कि अली अमीन गंडापुर, जिन्हें दो रोज पहले गिरफ्तार किया गया था डेरा इस्माइल खान में, जो हाई कोर्ट की जो इमारत है वहां से, और उन्हें रात को थाने ले जाया गया और उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया। आज मैंने डेरा इस्माइल खान में कुछ अपने ज़राए से इस हवाले से बात की, मालूम करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ हुआ है, तो पता ये चला कि इस तरह की खबरें गुमराह कुन हैं। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार ज़रूर किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा था, अगले रोज़ उन्हें अदालत में पेश किया गया, उनका तिब्बी मुआयना करवाया गया, उसके बाद अदालत के हुक्म पर उनको जुडिशियल रिमांड पर डीआई खान सेंट्रल जेल भिजवा दिया गया। वहां से आज एक मरतबा फिर अदालत ही के हुक्म पर उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, इस हवाले से गर्दिश करने वाली तमाम खबरें गुमराह कुन और बेबुनियाद हैं। बहरहाल हम वैसे भी कोई सियासी रहनुमा हो, सियासी कारकुन हो, पॉलिटिकल प्रिजनर हो, कोई यहां तक कि कोई क्रिमिनल हो, कोई कत्ल के इल्जाम में हो, डकैती के इल्जाम में हो, हम इस तरह के किसी भी मुलजम पर थाने में पुलिस की हिरासत में होने वाले किसी भी तशद्दुद की हिमायत नहीं कर सकते। ये एक गैर इंसानी फेल है और इसकी मुजम्मत ही करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं इमरान खान कि वो उस क्लिप की जानब आऊं, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया का जो हेड था खैबर पख्तूनख्वा का, उसका सॉफ्टवेयर क्यों अपडेट किया गया है, वो क्यों तायब हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे भी इम्पॉर्टेंट खबर है, इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ दो दिन पहले टाइम मैगज़ीन को एक इंटरव्यू दिया। टाइम एक दुनिया का इंतहाई समझ लें कि मुअक्कर और संजीदा और मारूफ एक मैगजीन है, उसने सरवर पर इमरान खान की तस्वीर भी छापी। टाइम मैगजीन वीडियो इंटरव्यू भी करता है, यानी टेलीविजन के लिए भी, और वो रेडियो के लिए भी इंटरव्यू करते हैं। तो उनके एक नुमाइंदे चार्ली कैम्बल ने इमरान खान का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के आगाज में ही इमरान खान ने यह कहा, You cannot imagine what is happening in Pakistan. Never has one man scared the establishment, the political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. Their worry is how to keep me out. The people on the other, how to get me in. Iska tarjuma main harf ba harf aapki khidmat mein pesh karta hoon taaki galti ka koi ehtimal na ho. Maine likh kar rakha hai. इमरान खान इस छोटे से क्लिप में कहते हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट को इतना किसी ने नहीं डराया।
जितना कि मैंने और मेरी पार्टी ने डराया है, यानी एस्टैब्लिशमेंट को माजी में किसी जमात ने इतना खौफजदा नहीं किया जितना एस्टैब्लिशमेंट आज मुझसे और मेरी जमात से खौफजदा है या मैंने उनको खौफजदा किया है। क्या ऐसा ही है? एस्टैब्लिशमेंट वाकई इमरान खान से खौफजदा है? इस बात में कोई शक नहीं कि आज भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इमरान खान की हमायत में आगे आगे हैं, उनके अहले खाना आगे आगे हैं। इमरान खान एक से ज़ायद मरतबा ये कह चुके हैं कि इनके घर वाले खानदान वाले मेरे साथ हैं। यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की एक हिकमत अमली होती है, वो किसी सियासतदान के साथ बराह रास्त टकराव नहीं करती, बराह रास्त तसादुम नहीं करती। माजी की तारीख गवाह है, एस्टैब्लिशमेंट ने जब भी बराह रास्त तसादुम किया तो वो मार्शल लॉ की सूरत में मुल्क पर कब्जा किया, उसके बाद सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाया, तशद्दुद का निशाना बनाया, जो भी आप कह लें उन पर सख्तियां की। माजी के मार्शल लॉ इसके गवाह हैं। लेकिन जमहूरी अदवार में एस्टैब्लिशमेंट का तरीका है वारदात थोड़ा डिफरेंट होता है। एस्टैब्लिशमेंट क्या करती है? एस्टैब्लिशमेंट माजी में यही करती रही है कि अदलिया को अपने साथ मिलाकर फिर वारदात डालती रही है। जिस तरह आपने देखा जनरल रहील शरीफ के दौर में किस तरह अदलिया को साथ मिलाया गया, किस तरह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक फ्रिवलस पिटीशन पर इमरान खान को पैगाम भेजा कि आओ हम तुम्हारी ये पिटीशन सुनेंगे, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख और माजी का हिस्सा और किस्सा है कि एक फ्रिवलस पिटीशन जिसको फ्रिवलस फजूल कहकर वो दरख्वास्त खारिज की गई थी दोबारा उसको सुना गया और उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट जब इंतकाम लेती है तो फिर वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को इन्वॉल्व करती है। याद है ना, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया था। क्यों किया था? यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असेंबली में कहा था उसामा बिन लादन वाले इश्यू पर कि यहां तो स्टेट विद इन स्टेट है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि रियासत के अंदर एक रियासत कायम है। फिर यूसुफ रजा गिलानी के साथ जो कुछ हुआ वो भी आप बखूबी जानते हैं। आजकल खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, एस्टैब्लिशमेंट की या कौम की, आजकल अदलिया जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का साथ नहीं दे रही, ना ही एस्टैब्लिशमेंट अदलिया पर दबाव डाल रही है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को एपॉलिटिकल कर लिया है, गैर सियासी कर लिया है। एस्टैब्लिशमेंट से मुराद इस वक्त पाक फौज है। अब सूरत हाल क्या है? अगर आज एस्टैब्लिशमेंट चाहे, आज फौज चाहे, तो किस जज की मजाल है, किस चीफ जस्टिस की मजाल है, किस वजीर आजम की मजाल है जो उनके कहे से इनकार कर दे। लिहाजा इमरान खान का यह कहना कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट को डरा दिया है, मुमकिन है उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को डराया हो, उनके कुछ राज उनके पास हों, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जिसे फौज कहते हैं वो किसी से डरती नहीं। हिकमत अमली के तौर पर थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है, थोड़ा पीछे हो जाती है, लेकिन जब उसे मौका मिला तो इमरान खान को लग पता जाएगा कि हमारी तारीख हमें यह बताती है, सबक देती है कि एस्टैब्लिशमेंट ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो भी टकराया उसने अपना सर फोड़ा, खुद को पाश पाश किया, अपनी सियासत अपनी सियासी जमात को खराब किया, तबाह किया, सियासत के मंजरनामे से हट गया। अब बात करते हैं जनाब सोशल मीडिया के हेड बिलाल अहमद खान, इनका नाम है, तस्वीर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। इन्होंने गुज़श्ता रोज बतौर पीटीआई के सोशल मीडिया हेड के इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा भी दिया है और साथ में बयान हल्फी भी दिया है, 100 रुपए के स्टैंप पेपर बयान हल्फी दिया है। वो बयान हल्फी भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब माजी में उन्होंने वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ कुछ पोस्टें लगाई थी जिस पर वो नादिम हैं, शर्मिंदा हैं, वो अपने कौमी इदारों का एहतराम करते हैं, करते रहेंगे, आइंदा वो ऐसी गलती का सोच भी नहीं सकते, लिहाजा उन्हें माफ किया जाए। और मुस्तफ़ी होने का ऐलान इसलिए किया है कि उनकी अपनी निजी मसरूफियात हैं, कारोबारी मसरूफियात हैं, उनके बूढ़े वालदैन हैं, बीमार हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई ने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट सरकारी खजाने
पर बोझ लगाते हुए या बनाते हुए या बनते हुए या बोझ डालते हुए जो कुछ तकरीबन 1300 के करीब इन्फ्लुएंसर भर्ती किए थे उनको भी फारग कर दिया गया है। तो अब ये मौसूफ जो हैं, कहा यह जाता है कि जनाब जब इन्होंने ये सारी पोस्टें पोस्ट की उसके बाद इनको तलब किया गया, हिरासत में रखा गया, इनका सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से अपडेट किया गया, पुरानी चीज़ें डिलीट की गई इनके दिमाग से और नया सॉफ्टवेयर डाला गया, जिसके बाद उन्होंने ये बयान हल्फी दिया। और ये बयान हल्फी खुद एक चीज़ को जाहिर करता है कि वो अपने किए पर नादम है और उन्होंने माजरत की। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब मुल्क के दीगर शहरों में जो बड़े बड़े सोशल मीडिया के जो फने खान हैं, जो बॉट्स के जरिए आगे चीज़ों को बढ़ाते थे, उनके सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए जा चुके हैं और वक्त आने पर वो भी इसी तरह की बयान हल्फी देकर सोशल मीडिया से तौबा तायब हो जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।